बैचलर बिजली चोरी इलेक्ट्रिक स्टोव मटन पाया जवार रोटी। चंपापेट नाम के गांव में एक कंजूस रहता था, उसका नाम था नंदू। वो एक कंपनी में अकाउंटेंट का काम करता था। वो एक घर के ऊपर वाले पोर्शन में किराए पर रहता था। वो इतना कंजूस था कि दफ्तर जाने के लिए और बाहर घूमने के लिए उसके पास केवल एक ही पैंट शर्ट थे और घर पर वो अखबार लपेट कर घूमता रहता था। इतना ही नहीं, गैस के चूल्हे के लिए पैसे खर्च ना हो ये सोचकर वो सड़क के किनारे पड़े तिनके और लकड़ी के टुकड़े चुनकर लाता और उसी लकड़ी के चूल्हे में खाना पकाता था। उस चूल्हे से निकले धुआं सारा घर भर जाता था और खिड़की से धुआं ही धुआं निकलता था। ये देखकर घर के मालिक को बहुत गुस्सा आता था। महीने के आखिर में रोते रोते किराया देता था। ये लीजिए इस महीने का किराया, मैं बीच में 4 दिन गांव गया था, क्या आप उन 4 दिनों के पैसे कम कर देंगे किराए के? तब घर का मालिक, लानत है, अरे कैसे आदमी हो तुम, ये कोई सराय नहीं है जहाँ केवल उन दिनों के पैसे लेते हैं जिस दिन तुम ठहरते हो, और तुम्हें शर्म नहीं आती कि रात को अखबार लपेट कर सो जाते हो? अरे कैसे आदमी हो तुम, गैस के चूल्हे के बजाय लकड़ी के चूल्हे जलाकर खाना बनाते हो। तुम्हारे घर से निकलने वाले धुएं से हर रोज हम परेशान हैं। ध्यान से सुनो, दोबारा तुमने लकड़ी का चूल्हा जलाया तो घर खाली करा दूंगा, खबरदार, कहकर उसे धमकी दी। उसके दफ्तर में मैनेजर, क्यों भाई नंदू, तुम एतवार को भी काम करना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें और पैसे चाहिए, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए? अरे कम से कम एक दिन तो आराम कर लो, तुम्हारी कंजूसी कब छूटेगी? नंदू के घर के पास ही एक करी पॉइंट था। नंदू हमेशा वहीं पर उससे तोल मोल करते हुए करी खरीदता था। वो दुकानदार, अरे भाई साहब, आप तो लगता है कंजूसी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप हर रोज आकर जो भी करी बच जाता है उसे आप तोल मोल के ले लेते हो मुझसे। भाई साहब कुछ तो शर्म करो, अगर किसी भिखारी को भी मैं दे दूं तो कम से कम मैं पुण्य तो कमाऊंगा, कहकर उसे कोसता था। एक दिन नंदू बालकनी पर खड़ा था कि तभी उसने देखा कि खंभे से बिजली का तार उसके घर के ओर लटक रहे थे। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। घर के मालिक ने लकड़ी का चूल्हा जलाने से मना कर दिया है और वो करी पॉइंट वाला मुझे करी देने से मना करता है। अगर मैंने इस तार से बिजली चुराया तो इन सारी समस्याओं का हल मिलेगा। इतना ही नहीं, दफ्तर के काम के बाद मैं भी घर के बाहर करी पॉइंट लगाऊंगा और करीज बनाकर बेचूंगा तो खूब पैसे कमाऊंगा। यूं सोचकर उसने बिजली के खंभे के तार से अपने घर के तार जोड़े और इस तरह वो बिजली चुराने लगा। फिर घर पर एक इलेक्ट्रिक स्टोव ले आया और उसमें खाना पकाने लगा। इस तरह वो मटन पाया जवार रोटी जैसे अन्य व्यंजन बनाने लगा और फिर उन्हें घर के बाहर लाकर एक फट्टे पर रखकर बेचने लगा। वहाँ उसने एक बोर्ड लटकाया, नंदू होममेड करीज, एनी करी, वेज और नॉन वेज, ओनली 20 रुपीज, ऐसा लिखा था। दाम कम होने के कारण ज्यादातर लोग आकर उससे करीज खरीदने लगे। ये देखकर सामने वाले करी पॉइंट के दुकान के मालिक को बहुत गुस्सा आया, लेकिन बेचारा लाचार था, कुछ कर नहीं पाया। यहाँ नंदू सड़ी हुई सब्जियाँ, सड़े गले और बेकार के मटन और चिकन, बेकार के कीड़े लगे दाल चावल और आटा खरीदकर घर पे मुफ्त के बिजली वाले इलेक्ट्रिक स्टोव में खाना पकाकर बेचने लगा। एक दिन नंदू बालकनी में खड़ा होकर बिजली के तार को चेक कर रहा था, तभी सामने वाले करी पॉइंट के मालिक की नज़र नंदू पर पड़ी। उसको शक हुआ, वो चुपचाप नंदू के घर के पास आया और खिड़की से झांक कर अंदर क्या हो रहा है ये देखने लगा। अंदर उसने देखा कि नंदू इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना पका रहा था। यूं उसे बिजली के चोरी के बारे में सब पता चल गया। एक दिन बिजली के दफ्तर के अफसर पुलिस को लेकर नंदू के मालिक के घर के पास आए। वहीं खड़ा नंदू इन सब को देखकर जरा डर गया। बिजली के दफ्तर के अफसर ने बिजली के मीटर से बिल निकाला और मालिक से, भाई साहब आपका मीटर तो हमेशा की तरह एक ही रीडिंग दिखा रहा है, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन का रीडिंग 0 दिखा रहा है, कम से कम मिनिमम रीडिंग तो होना चाहिए ना? तब नंदू, आपको इससे मतलब, मैं बिजली इस्तेमाल नहीं करता, वैसे आपकी समस्या क्या है, कहकर बात को टालने लगा। तब ऐसे ने नंदू को जोर से थप्पड़ मारा और, अच्छा तो हमें इससे क्या मतलब पूछते हो, चोर कहीं के, एक तो बिजली के खंभे से बिजली चुराते हो, ऊपर से हमें धमकाते हो, उस करी पॉइंट के मालिक ने हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया, कहकर पुलिस ने उसे पकड़ा और खूब मारा।
तब नंदू, साहब साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। तब बिजली के दफ्तर के अफसर, अरे भैया ये सब नाटक छोड़ो, तुम्हें सिर्फ 5 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। अब या तो 5 लाख रुपए भरो या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ, अब सोच लो। तब घर का मालिक, क्यों कंजूस, अब दिमाग ठिकाने आया है? तुम्हारे कंजूसी के कारण 1 साल की तनख्वाह तुम्हारी गई है। बस नंदू गश खाकर जमीन पर गिर गया।